दोस्तों स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, किसी चीज़ को पढ़ना और उसको याद रखना। और खासकर जब एग्ज़ाम आते हैं, जब बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, चीज़ों को जल्दी याद करने की कोशिश करते हैं तो उसको जल्दी भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को आप कितनी जल्दी याद कर सकते हैं और कितने देर तक आपको, कितना लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, कुछ खास नहीं करना, कोई फालतू की ट्रिक नहीं है। आपने जो पढ़ा है, जो भी एक चैप्टर पढ़ा है, आप अपना कोई फ्रेंड ढूंढिए जो आपके साथ पढ़ता है, उसके साथ बैठ के उसको वो चैप्टर पढ़ाइए। अगर कोई फ्रेंड नहीं मिलता है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप बोल बोल के जो पढ़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन करिए। आप सोचिए सामने कोई एक दूसरा बंदा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप हमारी बॉडी में, ब्रेन एक ऐसा पार्ट है कि जब आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपके चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी स्टोर होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ से घूम के आते हैं, एक महीने बाद आप किसी दोस्त के साथ बैठते हैं और जब उसको बताते हैं, यार मैं तो यहाँ घूमने गया था, फॉर एग्जांपल मैं ऋषिकेश गया, मैं उसको बताऊँगा भाई मैं ऋषिकेश गया था 2 महीना पहले, तो जब आप उसको बताएंगे आपको फील होगा यार अभी मैं ऋषिकेश में ही बैठा हूँ, आपको चीज़ें याद आने लगेंगी, जैसे मैंने ऐसे वहाँ पर बोटिंग की, मैंने ऐसे वहाँ पर रिवर राफ्टिंग की। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ी हुई चीज़ किसी को पढ़ाएंगे तो आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर पाएंगे और लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। और एक छोटी सी कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप जितना लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जितना लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे और सामने वाले को पढ़ाएंगे, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, सामने वाले का ज्ञान भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा समय तक उस चीज़ को याद कर पाएंगे। आप आगे कभी भी उस सब्जेक्ट का नाम सुनेंगे, उस टॉपिक का नाम सुनेंगे, आपको चीज़ें अपने आप मेमोराइज़ हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आपको आगे काम भी आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।